नमस्कार मित्रों, मित्रों हूँ छू पिनलगिरी गोस्वामी। पिनल स्क्वाडर यूट्यूब चैनल में तमारुं स्वागत छे। मित्रों आजनी वीडियो टूंकी वीडियो थशे, अगत्यना तमाम मुद्दाओनो समावेश करीशुं। अत्यारे ज्यारे ऑगस्ट महीनो चाली रह्यो छे, आवनारो सप्टेम्बर अने ऑक्टोबर महीनो गुजरात माटे वरसादनो केवो रहेशे, तमाम प्रकारनी आ माहिती आ वीडियोमां आपी दईशुं। शरूआत करीए तो ऑगस्ट महीनाथी। अत्यारे ज्यारे 6 ऑगस्ट थई गई छे, त्यारे आज रोज गुजरातना अनेक विस्तारमां पवननुं प्रमाण वधारे जोवा मळशे, जेमां सौराष्ट्र, कच्छ अने दक्षिण गुजरातना अनेक भागोमां 40-45 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे पवन फूंकाय। उत्तर गुजरात अने मध्य गुजरातना पण अनेक भागों में 20-30 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे पवन फूंकाई शके छे। समग्र गुजरात में वादळछायुं वातावरण जोवा मळे, परंतु सार्वत्रिक वरसादनो माहौल खूब ओछो हशे। कोई कोई जगह छांटाछूटी अथवा तो नानकड़ा वरसादी झापटा थई शके छे। आगामी 24-48 कलाकमां दक्षिण गुजरात अने मध्य गुजरातना कोई कोई भागोमां थोड़ो वधु वरसाद थई शके छे। उत्तर गुजरात अने सौराष्ट्रमां लोकल डेवलपमेंट सर्जाई जाय तो वरसादनी शक्यता छे, अने कच्छमां वरसादनुं प्रमाण नહીવત રહેશે। એટલે આગામી આપણને તારીખ 15-18 ऑगस्ट सुधी गुजरात में वरसाद की शक्यता खूब ओछी रहे। सामान्य हलवा मध्यम वरसाद झापटा चालू रहे, परंतु एक सार्वत्रिक वरसाद माहौल नहीं सर्जाए। 19 अने 20 ऑगस्ट थी गुजरात में एक नवी सीस्टम में असर करते, जेना भागरूपे थी गुजरात ने धीमे धीमे वरसाद की शुरुआत थे, परंतु जे आपने 1-3 राउंड वरसाद मब्या है तो प्रमाण जोरदार वरसाद मे ती शक्यता खूबज ओछी है। एट मित्रों ऑगस्ट महीना पर मध्यम सरनो रहना है। तरह बीजी तरफ सप्टेम्बर महीनानी वात करी दीए तो सप्टेम्बर महीनामां बंगाळनी खाड़ी अने अरबी समुद्रमां पण एक वरसादनी सीस्टम सर्जाई, उपरांत मध्य भारतमां पण एक वरसादनी सीस्टम सर्जाशे, जे गुजरातना अनेक विस्तारोने असर करशे। आवनारा दिवसोमां गुजरातने कया विस्तारोने असर करशे, क्यां वधु वरसाद पड़ी शके छे, तमाम प्रकारनी माहिती तमने अवारनवार आपता रहीशुं। अने ऑक्टोबर महीनामां पण ज्यारे चोमासानी धीमे धीमे विदाय चालू रहेशे, त्यारे गुजरात में पण सामान्य वरसाद रहेवानो छे। हवे वात करी दीए तो अत्यारे ज्यारे सीजननो अंदाजित 78% वधु वरसाद गुजरात ने मळी गयो छे, त्यारे ऑक्टोबरना एंडिंग सुधीमां एटले के चोमासुं विदाय ले त्यां सुधीमां गुजरात ने अंदाजित 90% वधु वरसाद एक मळी शके तेवी संभावना छे। हवे मित्रों वात करी दीए तो चोमासानी वापसी अने चोमासानी विदाय क्यारे थई शके छे, तो मित्रों तारीख 20-28 सप्टेम्बरनी आसपास एक अंदाज छे। मित्रों 20-28 सप्टेम्बरनी आसपास चोमासु धीमे धीमे वापसी करी शके तेवी संभावना छे, जेमां राजस्थान अने कच्छथी तेनी वापसीनी शरूआत थशे अने धीमे धीमे समग्र देशमांथी चोमासु विदाय लेशे। 20-28 सप्टेम्बरथी चोमासानी वापसीनी शरूआत थशे अने तारीख 23 ऑक्टोबर सुधीमां समग्र भारत देशमांथी चोमासु समग्र 100% विदाय लई ले तेवी संभावना छे। आ एक मित्र पूर्वानुमान छे, थोड़ा चेन्जिस थशे तो तमने तमाम प्रकारनी माहिती आपी दईशुं। त्यारे ऑक्टोबरमां ज्यारे चोमासु विदाय लेवा माटे जई रह्यो छे धीमे धीमे, त्यारे नवरात्रि पण ऑक्टોબરમાં આવતી હોય છે, જેથી નવરાત્રિમાં પણ સામાન્ય વરસાદ થાય, હળવા મધ્યમ વરસાદી ઝાપટા થાય તેવી શક્યતા રહેલી છે। એટલે મિત્રો ચોક્કસથી એક ગુજરાતમાં છેક ઓક્ટોબર સુધીના મહિના સુધી એક આપણને વરસાદી માહોલ પણ સર્જાઈ શકે છે, અને અવારનવાર નવી સિસ્ટમ બનશે તો તમામ પ્રકારની માહિતી અમારા વિડીયોના માધ્યમથી તમને આપતા રહીશું। તો મિત્રો આ એક પૂર્વ અનુમાન છે, એક એંધાણ છે, કંઈક નવા ચેન્જીસ આવશે, કંઈક નવી સિસ્ટમ સર્જાશે તો તમને તમામ પ્રકારની માહિતી વચ્ચે વચ્ચે આપતા રહીશું। તો ચાલો મિત્રો ફરીથી લેટેસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન અને ગુજરાતની હવામાનની માહિતી લઈને મળતા રહીશું, ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો, નમસ્તે।